यूपी के गोंडा जनपद से आ रही है बड़ी खबर। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बरखंडी नाथ महंत सुनीलपुरी पर हुआ जानलेवा हमला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद में दबंगों द्वारा उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना में महंत के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल किया गया है। गंभीर अवस्था में उन्हें स्थानीय CHC से इलाज के लिए गोंडा भेजा गया। मामले में 3 लोगों पर मारपीट का लगा आरोप। सुनीलपुरी वर्तमान में हल्दरमऊ पश्चिमी से जिला पंचायत सदस्य और पांडवकालीन बरखंडी नाथ महादेव मंदिर के महंत हैं। महंत द्वारा बताया गया है कि पिपरी रावत गांव के पास 2007 में उन्होंने बैनामे द्वारा ज़मीन खरीदी थी, जिसमें लगे पेड़ को आज विपक्षीगण काट रहे थे, जिसे मना करने पर उन लोगों ने किया हमला। बता दें कि विगत मई माह में सुनीलपुरी को फ़ोन पर मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही हटा दिया गया था। न्यूज़ प्लस इंडिया से यूपी प्रभारी रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। जानलेवा हमला हुआ है और आपको काफी गंभीर चोटें आई हैं, तो ये हमला किस लिए हुआ और किन लोगों के द्वारा हमला किया गया, इसका क्या उद्देश्य था? 2007 में है लिखाना, उम्मा पेड़ लाग रहा, पेड़ उगे दे रहा, ये काम प्रभाव लिखा लेना है। उसके बाद में जबरदस्ती श्री राम मिश्रा हैं, वो दबंगई से के काटे लागे पेड़, मना के अब हुए और ये बेची रहा मैं जमीन, दोनों जने दौराई कर और उसके बाद में है राड से मारे हैं। नहीं, आपके ऊपर हमला किस चीज़ से हुआ है? राड से। किस चीज़ का राड था? लोहे का। लोहे के राड से। तो क्या इनसे आपकी कोई दुश्मनी भी थी? दोनों दुश्मनी ना रहे, बस केवल इसी विवाद को लेकर आपके ऊपर हमला किया गया। कहीं पेड़ को हमला लिया, बस जमीन ले। अच्छा, तो आपने इसके लिए अभी कहाँ पे शिकायत की है? थाने पे, यहाँ यहाँ पे। तो फिलहाल अभी कोई कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? कार्रवाई हो रही है। बस थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक बाघ को लेके विवाद हुआ, जिसमें सुनीलपुरी एक पक्ष से, जो कि वरखंडी नाथ मंदिर के महंत हैं, और दूसरे पक्ष में श्रीराम मिश्रा, राकेश दुबे आदि, इनके बीच में बाघ को लेके, बाघ की जमीन को लेके विवाद था, और आज उसी को लेकर इनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं। इनको तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, इनकी स्थिति सामान्य है और इनसे तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मौके पर